हाय, गुड मॉर्निंग अली भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गया जी एंड अस्सलाम। वाओ सुपर ये नजारे। हाँ बहुत किस्म कर गया चादर ये। ओ यार, ये आपका चादर है? शुएब भाई तो भाई फुल रेडी वेडी हो रहे हैं। सारे लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब यार रेत रेत हो गई भाई। मुंह डूब गया जी एंड हो गई गुड मॉर्निंग एंड तकरीबन आधे लोग उठ चुके हैं, आधे सो रहे हैं, बट मज़े वाली नींद आई। मैं घर में सोता हूँ तकिया लेकर, तकिया तो नहीं था बट मैनेज कर लिया। सुपर। अभी खजूरें पड़ी हुई हैं, खजूर से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड सैपट का ब्यूटीफुल इस वक्त नज़ारा है एंड ब्यूटीफुल ब्लू वाटर है। मेरे उस सैपट बीच में खास बात यह है कि इसके अंदर कुछ स्टोन्स खड़े हैं, वो शायद पहले कभी पहाड़ हुआ करते होंगे जो अब पानी से कट कट के अब छोटा सा एक हिस्सा रह चुका है। देखते हैं। एंड फारूकी साहब सो रहे हैं। फारूकी साहब सो रहे हैं। बिल्कुल सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सो रहे हैं, रेस्ट करें। खजूर लेंगे, इससे हल्का सा नाश्ता करेंगे, कुछ तो इससे अपना सिस्टम चलेगा। रात को भी खाना तो खाया लेकिन सही मज़े वाला नहीं। ये हमारे तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे क्या हाल है? देख ले छापा पड़ा है रात को। अच्छा। रात को बस हम लेट ही पहुंचे हैं, मैं और अमीन भाई, अमीन फारूकी साहब। अच्छा। और गुड मॉर्निंग शेफ भाई। गुड मॉर्निंग मुंशा भाई, कैसी रही आपकी रात? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। दो तीन घंटे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस सर रखने की जगह नहीं थी मिल रही। अच्छा। तकिया नहीं था मिल रहा। वो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जब आप इतनी दूर शहर से 400-500 किलोमीटर दूर आए। ऐसे ही ऐसे नहीं माशाल्लाह, लेकिन बहुत मजा है, बहुत मजा जी, जबरदस्त। का मंजर भी देखें कितना खूबसूरत। हाँ बेहतरीन है माशाल्लाह, जबरदस्त। वो जो आप घूम रहे थे वो पहाड़ का टीला थोड़ा सा। हाँ कहाँ पर है आप आए? आपको दिखाऊं वो जो पानी से। हाँ, अच्छा वो वो, हाँ, वो वहाँ पे इस बीच की जो ब्यूटी है ना। हाँ वही पर है, अब हमें करीब जाकर दिखाना ये वाली। देखेंगे तो फिर और पिक्चर्स भी जबरदस्त आएंगी। और ये माशाल्लाह ये जी आई थिंक ये क्लासिफाई करता है, वो अक्सर पिक्चर्स में हम देखते हैं सैपट बीच को। यही सैपट बीच को ग्रेट। अराउंड जी तमाम मेम्बरान उठ चुके हैं एंड अब वापसी की तैयारी है। सब सब अपने सामान को समेट रहे हैं और वाह
फायरिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। यस अंकल बस करें, डर लग रहा है। और हमारे आतिफ भाई भी हैं जी। और आतिफ भाई कैसी गुजरी रात, कैसी का रात गुजरी? बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत मजा आया रात में। यहाँ पे कैंपिंग करी हमने जी चांद पे। और बहुत अच्छे सारे दोस्त आए हुए थे सबके साथ, मजा आ गया जी। आतिफ भाई आतिफ भाई ने रात को जो है ना वो हमें जो चाय पिला दी तो मजा आ गया। हाँ हाँ जी, चाय के बगैर तो हम चलते नहीं है, आधे घंटे बाद चाय मिलनी जरूरी है सब। ऐसे ही और सर मैं यहाँ टी स्टॉल लगा लेता तो ज्यादा फायदा होता चलें जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। और ये शुएब भाई जो है ना माशाल्लाह। अच्छा भाई ये शर्जील भाई का जबरदस्त था हाँ रात का कैंप। और फोटोग्राफी हो रही है अमीन साहब कर रहे हैं हा? जी मनीषा भाई बोला ना, जवाब तो दे दे। जी सर अभी देख रहा हूँ, आई थिंक वापसी की जो है ना तैयारी हो रही है, लपेट रहे हैं। चलो हम भी फिर अपना शुरू करते हैं पैकिंग वगैरह। और बाकी मैंने कहा था अगर समी भाई नजर आए तो उन्हें कहिएगा कि दो स्टिकर जो है वो दे दें हमें, दो मुझे स्टिकर चाहिए गाड़ियों के लिए। थैंक यू जी जी सर, वो मैं समी को कह देता हूँ, बल्कि ले आता हूँ स्टिकर और बस तैयारी करते हैं। आप धूप बढ़ रही है, बस मैं तैयारी करता हूँ, आप अपना रिकॉर्डिंग वगैरह करें जो भी करनी है, हम फिर करके गाड़ी वहीं लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी 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 बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बस रिकॉर्डिंग तो ये व्लॉग बन रहे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारे प्यारे शामिर भाई। शामिर भाई कैसे हैं? जबरदस्त, कैसी गुजरी रात, कैसा रहा ट्रिप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है और सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। रात को आपको बहुत सर्दी लग रही थी? हाँ रात को सर्दी थी। जो भी कैसे हैं, कैसा रहा ट्रिप? जबरदस्त। अच्छा हो रही तैयारी सब, पैकअप पैकअप हो रहा है? ग्रेट, चलें जी। एंड सारा तकरीबन जी पैकअप हो गया, क्या हाल है? बस करो यार, इतनी फायरिंग कर रहे हो, डरा रहे हो समी भाई। और सब कोई उधर था, कोई उधर था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। और आज आपको दिखाने के चक्कर में, व्लॉग्स बनाने के चक्कर में मैं अपनी तस्वीर भी नहीं बनवा सका, तस्वीर वगैरह। एंड बट यार बीजे फुट मोहाली दे दो बिल्लियां विच लिए। जावेद भाई कैसे? सलाम सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, कैसा रहा ट्रिप रात? बहुत जबरदस्त नाइट स्टे था हमारा, सेलिब्रेशन था वारसीपी का। हाँ और हमने बहुत एंजॉय किया रात को, हम लोगों ने बोन फायर किया जी और आतिशबाजी वगैरह करी। हाँ और म्यूजिकल प्रोग्राम भी था हमारा, बहुत कुछ हुआ रात को, तो बहुत तफरी हुई। थैंक यू वेरी मच ये हमारे जावेद भाई एंड ये हमारे रैली चैंपियन है और ये पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली हमारे ग्रुप की जानब से। समी भाई कैसे हैं? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जी जी जबरदस्त जी, जो मनशा जी क्या हाल है? ठीक है, हैरियत से। मनशा भाई ये जो हमारे साथ गाड़ी खड़ी थी ना अभी, ये वो सामने खड़ी हुई राइट पे अकेले, ये गाड़ी मेरे ख्याल फंस गई है ना, वो जो दो लेडीज और साथ तीन जेंट्स हैं वो। सबको नया साल मुबारक, और सब कैरियर हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, बहुत बहुत। और ईसा भाई कैसा रहा ओल्ड नाइट एंड न्यू नाइट दोनों? बहुत दोनों एक साथ थे, 12 से पहले ओल्ड थी और 12 के बाद न्यू होगी। दोनों ही अच्छे थे। हम ऑफ रोडिंग पे गए 2022 में, वापस आए 2023 में। चलें जी जबरदस्त, कैसा रहा, कैसा एंजॉय किया? एंड समी भाई ड्रोन के जरिए शॉट्स लेने में माहिर है, एंड समी भाई से अच्छे शॉट्स हमने नहीं देखे। और इस सी की जो एरियल व्यू होगा या जो आई बर्ड व्यू होगा वो आई थिंक समी से बेहतर कोई नहीं दिखा सकता, बजरी है ड्रोन। एंड माशाल्लाह जी मॉर्निंग हो गई, कैंपिंग लोग समेट रहे हैं, नाश्ता भी हो रहा है, अभी हम भी ट्राई करेंगे।
हाँ जी, और नाश्ता वास्ता हो रहा है, तारिक भाई दबा के नाश्ता कर रहे हैं। हाँ बस बस करें करें आप, करें आप नाश्ता। हाँ अमीन भाई नाश्ता हो रहा है, बताइएगा। एंड जी नाश्ता हो रहा है, एंड नाश्ता करने के बाद फिर हम निकलेंगे। नाश्ते में चना, कीमा, चिकन, पूड़ी, एवरीथिंग, पाकोला, पाकोला, चाय, हाँ एवरीथिंग है। चलें सर, कैसे कैसे रही ट्रिप सर, कैसा एंजॉय किया? जी बहुत माशाल्लाह एंजॉय किया, ORCP के प्लेटफॉर्म पे, तो इस बलूचिस्तान की इस जगह पे जहाँ पे कि इंसान जो है मैं समझता हूँ अकेला इवन के फैमिली के साथ भी नहीं आ सकता, और ORCP ने जिस अच्छे अंदाज में और जिस खूबसूरत अंदाज में इस प्रोग्राम को मैनेज किया, वो वाकई काबिले स्ताइश है। और इसके लिए मैं ORCP की पूरी टीम को और स्पेशली उनके फाउंडर जो हैं सबका मंशा। नवाज भाई, नवाज भाई कैसा रहा, रात कैसी गुजरी, दिन कैसा गुजरा? बेहतरीन, कैसा? अच्छा अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और भाई उर्दू 2023 मुबारक हो। जी जी माशाल्लाह, अपना चैनल चला दिया। क्या हाल है? ठीक है, हरिये से हमारे साथ भाई कहाँ है, नजर नहीं आ रहे साथ। अस्सलाम वालेकुम, साथ भाई हमारी मोहब्बत है, फॉरएवर लव, फॉरएवर। और से आप ठीक है? ओहो, साथ भाई से दिल्ली तौर पर मोहब्बत है, और साथ भाई है भी बड़े इंटेलेक्चुअल। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। और सुनाए कैसे गुजरी रात, दिन, सुबह, मॉर्निंग? अच्छा, बहुत मजा आया। हाँ, न्यू ईयर यहाँ आए हम। हाँ, लगता नींद नहीं आपकी आज सही तरह पूरी हुई? क्यों, बस लग रहा है कि अभी आंखें जो है ना नींद में है। चले यार, थैंक यू, एंजॉय करें। ऑफ रोडिंग इज़ नॉट ईजी, एंड अभी ये हमारी गाड़ी फंस गई, बहुत मेहनत की, कोशिश की कि मैनुअली निकला नहीं, लेकिन अब इसे जो है ना वो हमारे सरदार साहब जो है वो निकालेंगे झटका लगा के। मेरा ख्याल है इसका सिर्फ है बांधने वाला, इसको पीछे पीछे निकलेगी, निकलेगी पीछे ही निकलेगी। रस्सा तो है हमारे पास, ये हमारी गाड़ी फंस गई, और इसका आई थिंक नीचे से चेसिस लगा हुआ है ना, बस निकालता हूँ मैं सर, छोड़ मैं निकालता हूँ, बस 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 एक मिनट, ये मदरा इसमें से मट्टी निकाल लूँ। अभी जी फोर्स लगाई जाएगी, कोशिश होगी पीछे से करें और निकले। आज तो समझे कि ठीक ठाक पसीना आ गया, रात को यहाँ अच्छी ऐसी ठंड थी। यस, ये 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 वाओ, ये चीज मेरे अजीज, थैंक यू, थैंक्स लॉट, सक्सेसफुली गाड़ी बाहर आ गई। एंड इस वक्त जी यहाँ शदीद धूप हो चुकी है, बहुत गर्मी हो गई है, बल्कि इतनी गर्मी शायद फील ना होती, चूँकि वो बेलचा वगैरह यूज़ किया, एंड पहले कोशिश की अपनी मदद आपके तहत, बिकॉज कहीं भी आप फंस जाएं, ऑफ रोडिंग इज़ नेम ऑफ एडवेंचर, इज़ नेम ऑफ लर्निंग, वैन कि आप कहीं फंस जाएं पहले खुद कोशिश करें, फिर टेक्निक्स यूज़ करें, और जब आप कि टेक्निक्स भी काम करना छोड़ जाएं, आपकी फोर्स भी कम हो जाए, सो देन यू कैन गो फॉर हेल्प। एंड थैंक यू जुल्फकार भाई, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। दिले भाई वो तो ले आओ, एंड ये था जी सैबट बीच, एंड स्पेंड अ सुपर नाइट एंड सुपर मॉर्निंग, एंड होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा ये वाला व्लॉग। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये आपने इससे पहले शायद देखा हो, एंड यहाँ पर पहुँचना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट, एंड बिकॉज के हमारा एक ग्रुप है और हम गैदरिंग में यहाँ आ जाते हैं, एंड सारे इंतजाम होते हैं खाने के एंड रहने के एंड फैसिलिटेशंस, बट चूँकि यहाँ ट्रैक बहुत ऑफ रोडिंग है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड टू मच डिफ़िकल्ट के अगर आप अकेले आएंगे गाड़ी फंस सकती है कहीं ना कहीं, तो इस तरह अभी भी हम निकल रहे हैं, तो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो वन बाई वन होकर निकलेंगी, एंड अब हम कराची की तरफ जाएँगे, एंड इंशाल्लाह आपको अपने व्लॉग्स के ज़रिए कोशिश होगी
कि आपको अप टू डेट रखा जाए एंड डिफरेंट एंड यूनिक कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल.